ठीक है नी। तो इसको आप भाई सारे भाई अन भाई आपका स्वागत आज के एक और वीडियो में। तो भाई आज की वीडियो है आप ट्रैक्टर का लैमिनेशन करवाए के लिया दोबारा तय। पहला भी लैमिनेशन करवाई थी तो उसने 2-3 साल हो गए और वह 100 पे ज़्यादा गड गई थी तो भी उसने त्रै कहना है और आज दोबारा लैमिनेशन करावे। थोड़ा इसका पानी हमारे लिया क्यों मतलब फिर नहीं ओडा कहेंगे मैं दुआ लियो एक बार मोटा मोटा इसी दो कहना है और जी साथ थोड़ा बहुत हल्का हल्का अगर कड़ी आता पेंट थोड़ा बहुत उखड़ेगा तो स्प्रे साथ में ले लिया और हल्का स्प्रे मार गया और फिर वापस तो दोबारा ऊपर को लैमिनेशन करवाई देंगे पहला वाली जी सी ठीक है। और मरगाडा पे भी करवानी है लैमिनेशन और थोड़ा बहुत और देखांगे और फिर जो है एक अपना एलईडी वीडियो भी जोड़ूंगा मैं ये भी बताऊंगा भाई लैमिनेशन करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए फ़ायदे नुकसान। तो वीडियो का एंड तक देखते रहियो काफ़ी जानकारी वाली वीडियो होने वाली है। तो दुकान पर पहुँच गए हाँ या लैमिनेशन करवा लिया या इस पर तो थोड़ी थोड़ी रह रही है और ये इतना लग रही इसकी कारण सफाई लग रही हूँ पेट्रोल निकल रहा है और भैया देखो लैमिनेशन कराने के फायदे यह देख लियो आप लैमिनेशन के फायदे देख लियो कुकर रंग दाग जावा है तो लंबा टाइम लग अगर कराओ भी तो लंबा टाइम लग ना कराओ भाई ठीक है। यह देखो एड दी कितना मतलब देखो इस लैमिनेशन थी भाई 2.5 साल तो उपरों लिए इसमें आप लाने वाला का भी नहीं कसूर कट दे क्योंकि अगला ने कहा था कि भाई 2 साल बाद तैर दिए तो अपन तैरी नहीं आ ए, बाकी इस पर को स्प्रे मार देंगे जड़ा जड़ा तो उतरे है रंग हा मीनू तो देख लो ज़्यादा भद्दा लग गया है यू ठीक है नी। तो इस पर आप स्प्रे मार देंगे एक बार यह गांव में खड़ा कर रखिया ट्रैक्टर तो यह थोड़ी ही तैयार जाएगी नरम हो जाएगी लैमिनेशन और फिर थोड़ी सही उतर जाएगी और भी ये देखो भाई सारा टंकी ऊपर का कितना पेंट खराब हो गया है लैमिनेशन की वजह से ये भी इसका स्प्रे मारा है थोड़ा सा तो भाई वो कर दिया कंप्लीट मोटा मोटा हा बाकी सही तो यू मैच हो जे सारे उतर जे जी हो मैच सही तो जे सारे उतर जे नहीं बाकी नहीं हो प्रॉब्लम देखो भाई ये तो डूब रहे हैं परले परले
अरे मैं तो तेरे तक पकड़ावांगे यार मैं तो मार लिखू की में कहता है मैं तो रिमार्केटिंग ही करती हूं वैसे अपने वीडियो बना लिया है कोई चीज कर ले भाई साहब ये लो भाई अमर काटना पे मैं अटकी चल पड़ी लैमिनेशन अच्छी बढ़िया घंट जी मित्र फूफड़ नहीं जाए बस कड़िया का लग रहा है काम यू है पूरा मरगाट का लग रहा है और सौ का लग रहा है चल फिर ती का गंडा तो मैं में रीत रेस्टोरेंट का मालिक है गंडा के तो उसके तीन गिलास नहीं पिया सकता ये बच्चे का बियर नहीं गन्ने का ताजा जूस जिन्हें पिया गन्ने का ताजा जूस उन्होंने आगे नजारे ये लोग कहना की सिफारिश कर रहे हैं काम ज्यादा कहना ही हो रही है ला भाई एक एक तो गया कंप्लीट और भाई एक मरगाड भी होगी कंप्लीट ये भी है दूसरी दूसरा पल्ला पे लाइए हमारे भाई साहब एक तो मैंने कह दिया राम ऐसे यू कुकी और का ट्रंक है और यू कुकी और का डीलक्स भाई कुकी और के साधना की इतनी मार्केट है मतलब दुकान वाले पोस्टर ले रहे हैं भाई मोटरसाइकिल समेट गया था अरे कुकी और की बस सके के सब दरी वो सी रे ऊपर गाड़ी या कुकी और की गाड़ी भाई इतने पॉपुलर सब से भी आ गए तला तला दिख ये कुकी और का टापर भाई कुकी और का टापर भी आ गया तो भाई आप इतना चल रहा घर रोटी खा का वहां इसका कंप्लीट हो गया और वादर ये उस पर लगेंगे अब तो मैं मनदीप गांव इतना घर और मरगाड और दिखा दूं आपने करके यो इसका मरगाड का हो गया इसका रह गया तो इतना आप घंटा ही कमावांगे आधा छोटा तो भाई अपन लेट रहे हैं इतना टंकी के ऊपर को रह गई करनी बाकी सो के जो पल्ले अपने वहाँ हो गए तैयार और थोड़ा बहुत होर रह रहा है बाकी यार मरगाड पे किमें छपुआ वहाँ नहीं कन्फ्यूजन हो रहा है बाकी कैंसिल करेंगे फिर देखेंगे आगे तो एक बार जो मतलब बेसिक सा काम था जो करवाना अपन है क्योंकि सो थोड़ी बद्दी लग गई थी तो एक नंबर की चकाचक हो रही है तो आप एक बार लुक चेक करियो तो भाई आप आएंगे थे घर और या मरगाडा करवाई है और या बैटरी बॉक्स का करवाई है और या आपने जो है सो का कराइए देखो फिनिशिंग वगैरह किसी के लागे है दूर तक करो चेक देखो तो भैया अपने आज की वीडियो थी अगर जो वीडियो पसंद आओ तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करियो जय हिंद जय भारत तो भाई आप सभी ने वीडियो देख ली थी तो मैं आप बताऊंगा भाई कि के रीजन था आपने लेमिनेशन करवाई थी और आपने करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए अगर करवाओ हो तो के देखभाल करनी चाहिए देखो भाई अपना ऐसा मतलब अपने ट्रैक्टर ज़्यादातर खड़े रहें बैर धूप भी छाँव भी बारिश भी तो सब कुछ ऊपर आ जावे है तो इसे पर्पज़ तो यह थी कि भाई ट्रैक्टर बाहर खड़े रहें तो माँ चलो यार माँ लैमिनेशन करवा लेंगे तो लगभग अपने या ढाई साल बाद या लैमिनेशन करवाई थी करवाए बाद से तो जो शो थी अपनी नॉर्मल शो अपना जो ये पल्ले थे सिंगल पल्ले तो इन पर तो भाई देखो जब लैमिनेशन पैड़ी तो ऐसा कुछ दिखा नहीं लेकिन जो टंकी है ना भाई क्योंकि वहाँ पे तेल गिरता रहता वगैरह वगैरह और धूप लग के तो वहाँ टंकी पे से जब ये ने उखाड़ी तो वहाँ से पेंट जो है इसका उखड़ गया और इसका जो है ना एक सबसे मेन रीजन शायद ये है तेल वगैरह गिरना और एक लेट उखाड़ना वो लगभग मैं तो ये कहता हूँ कि डेढ़ दो साल
के बाद आप लैमिनेशन ना रखें, अगर करवानी तो दोबारा करवा लें, पर इससे ज़्यादा समय तक लैमिनेशन ना रखें। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है इस चीज़ का, क्योंकि यार देखो अभी मैंने अभी पेंट का पता किया कि अगर ये ऐसा ही जेन्युइन पेंट अगर 100-100 को करवाएं टंकी को और 100 को, तो ये लगभग ये मान लो आप 4-5 हज़ार रुपये में पेंट ही हो जाता है कंप्लीट। और अगर आप घर घर का काम करते हैं और ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई बाहर खड़ा रहता है ट्रैक्टर, अंदर ही खड़ा अंदर खड़ा रहता है, तो आपको कोई ज़रूरत भी नहीं इतनी लैमिनेशन करवाने की। हाँ बस ये एक बात तो मुझे लगी, जैसे ये मैंने ब्लूइश करवाई है ना, मैंने पहले भी यही करवा रखी थी, इससे ना यार ट्रैक्टर वीडियो में थोड़ा सा और अच्छा मतलब और थोड़ा सा ऐसे बिल्कुल चमकीला सा लगता है। आपने ये बात कभी नोटिस भी की होगी, ऐसा नोटिस किया तो ज़रूर बताना। और अब भी आपने देखा कि कैसे चमक रहे थे, तो इस लैमिनेशन से ये तो है, मतलब जैसा ट्रैक्टर कंपनी फिटेड आता है ना, अगर सोफे को ऐसी लैमिनेशन हो जाए ना तो उससे भी अच्छा लगता है कुछ ना कुछ, ये तो है देखो इसमें। तो यही था भाई वीडियो में, अब आप देख लेना कि आप करवाओगे या ना करवाओगे। हाँ और करवाना अच्छी जगह पे, क्योंकि ये भी एक बड़ा रोल होता है कि वो दोबारा से उखड़ जाए तो उसका फिर कोई फ़ायदा नहीं है।